यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश खुद ही कंटेनमेंट जोन का जायजा लेने निकले। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों में थर्मल स्कैनर मौजूद न होने पर दुकानदारों को फटकार लगाई, साथ ही भारी जुर्माना लगाकर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान कंटेनमेंट जोन में आने वाली एक फार्मा शॉप पर दुकान मालिक द्वारा खरीदारों का विवरण व सूची न बनाने पर डीएम नाराज होते दिखाई दिए। कंटेनमेंट जोन में मौजूद एक किराने की दुकान सहित कई दुकानों पर थर्मल स्कैनर न होने पर उन्होंने धारा 188 के अंतर्गत 10,000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। होता है उसमें सबसे पहले तो 100% इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, लोगों तक आवश्यक वस्तुएं की चीज़ें पहुंचती रहें, इसी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में सारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इंक्लूडिंग मेडिकल स्टोर्स, जो हमारे हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स हैं, सबको खुला रखा गया है। साथ ही साथ यह इंश्योर किया जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन के प्रत्येक मकान में जाकर डोर टू डोर स्क्रीनिंग और सर्वे हो मेडिकल टीम के द्वारा, जो कि विशेष रूप से ILI और सारी के केसेस और जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनकी तत्काल एंटीजन टेस्टिंग भी सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ अनावश्यक रूप से जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बिना कारण के निकल रहे हैं, और साथ ही साथ जिन दुकानों के द्वारा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोविड के बचाव के जो प्रोटोकॉल हैं, विशेष रूप से जिसमें ग्लव्स का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, थर्मल स्क्रीनिंग करके लोगों का सारा डिटेल्स नोट करना, इन सब चीज़ों को जिनके द्वारा नहीं पालन किया जा रहा है उनके खिलाफ आज हैवी जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, और साथ ही साथ अग्रिम चेतावनी दी जा रही है कि अगर आगे भी नहीं पालन करेंगे तो इनके खिलाफ लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।